हेलो दोस्तों, प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा चैनल रियल एस्टेट में ट्रेनिंग के साथ साथ एक्सपर्ट एडवाइस देने का काम करता है। मैं हूं राजवंत सिंह माली, रियल एस्टेट मेंटर, रियल एस्टेट बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज का टॉपिक एक अलग तरीके का टॉपिक है। ये शायद हर एक बंदा इसको एनालाइज नहीं कर पाएगा, इसका प्रॉपर एनालिसिस ना कर पाए। कुछ जो लोग ये इस तरीके का काम कर रहे हैं उनकी ऑब्जर्वेशन में ज़रूर आ चुका होगा ये बात। मैं अपनी 28 साल से भी ज़्यादा की जो सर्विस है रियल एस्टेट में, उसके अनुभव के हिसाब से आपको अपने दिल की बात आज करना चाहता हूँ, जो मैंने रियल एस्टेट में 28 साल में देखी है और मोर देन 28 साल जो हो गए मैं देखा है, नोट किया है, उसके बारे में बात करूँगा। ये बात हो सकता है आपने पहले इस तरीके इस पर ध्यान दिया हो या हो सकता है ना दिया हो, तो ये बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैंने रियल एस्टेट बिजनेस ही दिखाया, इसमें दो शहरों में, दो तरीके के सिटीज़ में काम होता है, कोई ज़्यादा भी हो सकता है। चलो मैंने दो, मतलब दो पार्टों में इसको बांटा है। नंबर वन डेवलप्ड सिटीज, नंबर दो डेवलपिंग सिटीज। डेवलप्ड सिटी है जो, इसमें हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या हमारे पास इसके मौके हैं जिसके हम फायदा उठा सकते हैं, क्या क्या हमारे पास चैलेंजेस हैं जिसको हमें फेस करना पड़ता है। इसी तरीके से डेवलपिंग सिटी में हमें क्या क्या चैलेंज है और क्या क्या हमें वहाँ पर सहूलत मिल सकती है, क्या क्या हमें प्रिविलेज है वहाँ पर, हम किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने ये लिखा है बिग कंपटीशन। यदि आप डेवलप्ड सिटी की बात करो, दिल्ली की बात करो, बॉम्बे की बात करो, कलकत्ता की करो, नागपुर की करो, चेन्नई की करो, चंडीगढ़ की करो, जयपुर की करो, ये सब डेवलप्ड सिटीज़ में आते हैं। तो डेवलप्ड सिटीज़ में जहाँ प्रॉपर्टी की मार्केट होगी वहाँ एक नई, कोई 100-200 प्रॉपर्टी एजेंट के ऑफिस आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर बिग कंपटीशन हो जाएगा, उनका बड़ा कंपटीशन रहता है उनको। हमारे चंडीगढ़ में, यदि मोहाली में बात करें, जो 82 सेक्टर जिसको बोलते हैं, JLPL जनता लैंड प्रमोटर लिमिटेड का बनाया हुआ सेक्टर है, मेरे हिसाब से वहाँ 400 से ज़्यादा प्रॉपर्टी डीलर होंगे, प्रॉपर्टी एजेंट होंगे। तो प्रॉपर्टी एजेंट वहाँ पर, इसका मतलब बहुत कंपटीशन है। लेकिन 400 बंदे का यदि वहाँ ऑफिस है तो इसका मतलब ये भी है कि वहाँ काम भी है, फिर काम भी है, और काम है तो काम के साथ बंदे ज़्यादा है, बंदे ज़्यादा तो कंपटीशन हो गया आपका। जबकि छोटे शहर में कंपटीशन ही कोई नहीं। हम राजस्थान के अट्रू शहर में गए, वहाँ एक भी दलाल नहीं अच्छा मिला, एक भी दलाल, इन्वेस्टर तो कोई नहीं। इन्वेस्टर तो चलो कोई एक दो हो सकता है, जो कोई पुराना मकान ले लिया, किसी ने प्लॉट ले लिया, लेके बेच दिया, ऐसा कोई कर हो सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन जो लार्ज स्केल पे काम करता हो, हमें कोई दलाल ही नहीं मिला वहाँ पर, ना कोई इतना बड़ा इन्वेस्टर मिला। तो इसका मतलब वहाँ वन मैन शो हो गया, जो आपका कंपटीशन किसी के साथ, अपने आप के साथ ही है, करो जितना मर्जी काम करो, जैसे मर्जी करो। लेकिन उसमें मैंने आगे कहा है, इसमें सुपर इंटेलिजेंट लोग मिलेंगे आपको। सुपर इंटेलिजेंट नहीं होंगे ये, तो ये एक दूसरे को कंपीट कैसे करेंगे। तो फिर जो ढीला आदमी होंगे, जो आदमी प्रॉपर इंटेलिजेंट नहीं होंगे, प्रॉपर स्किलफुल नहीं होंगे, पूरा स्किल नहीं होगा उनके पास, तो दूसरे आदमी से पीछे पछड़ जाएंगे और वो अपना लिवलीहुड, अपना रोजगार भी नहीं चला पाएंगे। इसमें एवरेज पीपल मिलते हैं, हमने जैसे मैं अट्रू में आपको बताया और 12 जिले में भी बताया मैंने, कि जब हमने वहाँ काम शुरू किया था किसी को पता ही नहीं था। 3 लाख रुपए बिघा में ज़मीन लेके, चाहे आप 30 लाख की बेच दो, किसी के पास कैलकुलेशन नहीं थी वहाँ के बंदे के पास, कि ये 3 वाली चीज़ 30 में बिक सकती है, 25 में बिक सकती है, 10 में बिक सकती है, किसी को पास कैलकुलेशन। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी होगी वहाँ पर, लेकिन आपको मैनेज करने के लिए, फिर क्या मिला, कुछ भी नहीं। मैनेज करने के लिए बंदे ही नहीं है। मैं 2007 में ये सोचा करता था कि जिस तरीके से ओबराय होटल चल रहा है और बड़े बड़े होटलों की चेन चलती है, हम भी इस तरीके का चेन चलाएंगे।
लेकिन मैं उस बात में कामयाब नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमें एवरेज पीपल या एवरेज एजेंट, जो एवरेज मेंटल लेवल के एजेंट मिले, और उन्होंने हमारी उसके आशा के मुताबिक काम ही नहीं कर पाए। जितना मर्जी समझा के आते थे, उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं बन सका, उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं बन सका। और रिजल्ट, जब हम जाते थे वहाँ पर तो काम हो जाता था, जब हम पंजाब में आ गए तो काम वहीं का वहीं। इसमें ये फर्क पड़ता है। यहाँ पर तो एक से एक कलाकार आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर लोग कम, मतलब उसमें प्रोफेशनलिज्म में कम होंगे। इसीलिए तो ये डेवलपिंग सिटी है। यदि ऐसे लोग इसमें आ जाए तो फिर इसी कैटेगरी में आ जाएगा, नहीं फिर ये डेवलपिंग सिटी ना रहा। तो आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है यदि आप इस ऐसी सिटी में चले जाओ, काम करो एज इन्वेस्टर। ये देखो, गुड फॉर इन्वेस्टर्स प्लस प्रमोटर्स। आप इन्वेस्टर तो हो ही हो, बढ़िया, लेकिन प्रॉपर्टी को प्रमोट करने की आप में समझ होनी बहुत जरूरी है। यदि नहीं होगी तो फिर बिल्कुल ही कुछ कुछ नहीं होगा। ये तो फुल गुड फॉर रियल स्टेट एजेंट्स। ये जो है गुड फॉर रियल स्टेट एजेंट का मतलब है, आप यदि काम करते हो तो आप अपनी रोजी रोटी बहुत अच्छे तरीके से कमा सकते हो। जो स्किल वाले एजेंट हैं वो यहाँ पर बहुत अच्छा काम करते हैं। यहाँ पर एजेंट्स के लिए काम कम है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए बहुत काम है। इन्वेस्टर किसके लिए? सारे इन्वेस्टर के लिए नहीं। यदि आप कहो कि मैं 10 करोड़ रुपया लगा के रख दिया, कुछ नहीं बनने वाला, ले लिया ठीक है, थोड़ा बहुत हिलजुल हो जाएगी, लेकिन यदि आपको प्रॉपर्टी को प्रमोट करना आता है, यदि आप प्रॉपर्टी को प्रमोट कर सकते हो, तो फिर डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आने वाला है। प्रॉपर्टी प्रमोट करनी आती हो, लोगों को मोटिवेट करना आता हो, लोगों को उनसे काम लेना आता हो, पीपल मैनेजमेंट आपकी ज़बरदस्त हो, तो फिर ये सेगमेंट है, दिस इज दी बेस्ट सेगमेंट फॉर यू। उम्मीद है कि ये टॉपिक में से रियल स्टेट सीखने का, रियल स्टेट को करने का जज्बा आप में नए सिरे से पैदा होगा, क्योंकि ये सारा टोटल प्रैक्टिकल मेरी जिंदगी का निचोड़ है, एसेंस है। तो ये जिंदगी के निचोड़ से, मेरी जिंदगी के निचोड़ से आप सीख लो, ये आपके लिए और बहुत ही बढ़िया बात हो सकती है। समझदार आदमी वही है जो दूसरे के तजर्बे सीखता है, जो दूसरे की गलती से सीखता है। आप गलतियां करके सीखोगे तो आपको टाइम बहुत लग जाएगा, हो सकता है ऐसी गलती हो जाए दोबारा आपसे खड़ा ही ना हो पाया हो। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इसके ऊपर फिर चर्चा भी करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका इंतजार कर रहे हो? चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो आज ही, ताकि ऐसी वीडियो फिर मिस ना हो जाए आपसे। आपका सवाल कमेंट बॉक्स में, आपका कोई भी नए टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मेरे जो नंबर फ्लैश होते हैं आप वहाँ पर कॉल करके बात कर सकते हो, और अपनी कोई बात पूछनी है, कोई और करना है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, तो हम उसका जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। हालांकि मेरे पास टाइम बहुत कम चलता है, मैं रात को अभी भी मेरा ख्याल 11:30 से ज़्यादा हो गया टाइम अभी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना मेरा पैशन है। मैं आपके साथ, आपको मिलने के बिना रह ही नहीं सकता। पूरे दिन काम करने के बाद आज बहुत ज़्यादा शेड्यूल बिजी था और हेक्टिक शेड्यूल था पूरा, खाना खाने का भी टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर दी जाए, ताकि आप ऐसी वीडियो में से कंटेंट लेके सीख के आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सको। यही मेरी किताब प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली का टाइटल है। इसीलिए टाइटल रखा था कि प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली कैसे आ सकती है, वो आपको टेक्निक सीखनी है। इसमें बेस्ट टेक्निक जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई की है वो है अप्लाइड नॉलेज इज़ पावर। ये मेरे लिए पावर की बात है। इसमें मैं आपको हर एंगल से, जहां मर्जी मेरे साथ बात कर लूँ, मैं आपको कन्विंस कर सकता हूं। थैंक यू वेरी मच, मिलता हूं बहुत जल्द। आपका दोस्त, आपका होस्ट राजवंत सिंह मोहाली।